आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में चाचा ने भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। चाचा और भतीजे के बीच बाइक की चाबी को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव में बाइक की चाबी को लेकर हुए विवाद में लगभग 20 वर्षीय सचिन की रॉड और सरिया से पिटाई में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सचिन अपनी चाचा की बाइक लेकर बाजार गया था, जहां उसकी चाबी गुम हो गई, जिसकी जानकारी उसने अपने चाचा को फोन पर दी, जिस पर दूसरी चाबी लेकर उसके चाचा गाड़ी वापस ले गए। इसी बात को लेकर कहासुनी में उसके चाचा और अन्य लोगों ने युवक की पिटाई शुरू कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के घर वालों को पता चला तो छुड़ाने आए, जिसमें युवक के पिता को भी चोटें आई हैं। आनंद फानंद में घर वाले घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता रमेश ने बताया कि मेरा बेटा बाइक लेकर गया था, वापस आया तो चार लोग हमारे बेटे को सरिया से पीट रहे थे, मैं भी छुड़ाने गया तो मुझे भी चोट आई है। वहीं मृतक की मां ने भी रोते रोते अपनी बात कही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक अमेठी इलामार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही कर रही है। इस मामले में एक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। कौन है आपकी? क्या मामला हुआ है? हम लड़ाई झगड़ा थे, खाली गाड़ी लेके मैं देवल लेके गए रहे इनके गाड़ी, तो चोरे खड़े रहे, चाबी क्यों निकाली इस काम है गाड़ी के, तब ये आए घर में बोले कहीं चाबी निकाली, तो इनका फोन करी कहीं कि चाबी क्यों निकाली इस गाड़ी के, तब कहा भैया कहीं चाबी नहीं, अपन जाओ गाड़ी ले आ जाएंगे। आए वही खाती बोले कहीं कि माँ चाबी क्यों इतना नहीं बन किसने भरवा क्यों गाड़ी चुरा ले जाओ, माँ गाड़ी चाबी हराई गई। तो किस चीज़ को लेकर मतलब विवाद हुआ है, किस चीज़ को लेकर आपस में विवाद हुआ था? पहले समझ ले दिन्ना से भैया दिन्ना से लड़ाई पे, तो दिन्ना अपन अपने घर में रह गए हैं, वहाँ से आए तो घर का आवाज इनका बना रहा सब घर का, हम कहा चलो घर का, तो मैं से अपने घर से दूध बनानी को उल्टा सीधा कर जाओ, तो सोचे कहीं कि फर्जी ना बोलो, कहीं फर्जी ना बोलो। कौन कौन मारा है? कौन कौन मारा? नाम बताओ। महिला उनके मेहरुआ रही हेमा पति अमित पूजा अमन्नन जने रहे मारे, हमें कहा पता कि मार दिए हैं जान से, कहीं ना वो बताई तुम कर कहीं जो मारवा के बस कहा जाने की जान से मार दिया है, मैं लड़का का मार दिए नहीं जाना। क्या नाम है, क्या मामला है? मामला ये है सर, हमारा नाम है रमेश, गांव मड़वा, तहसील काका छोट मऊतवारा, मुसाफिर खाना तहसील, उसके बाद थाना जगदीशपुर। क्या घटना हुई है? घटना सर इसके बाद में हम नहीं जाने पाए क्या हुआ सर, उसके बाद में गाड़ी लेके गए थे दिनेश। कौन है ये तुम्हारे? वो लड़का है, हमारा लड़का है। और उसके बाद में सर हम नहीं जाने पाए क्या हुआ, गाड़ी आई द्वारे खड़ी हुई। क्या नाम था इसका? इनका नाम सचिन है। अच्छा, कितने साल उम्र है इनकी? 20 साल का होगा, 18-19 का होगा। अच्छा, तो कौन क्या तुमको क्या लग रहा है, क्या हुआ इनको, कैसे क्या हुआ सर? इसके बाद में इसे मारते थे हम देखे गए, उसके बाद में देखा, उसके बाद हम छुड़ाया था सर, उसके बाद में सरिये हमारे लग गए। कौन मार रहा था? का कहा तो महेश और हेमावती और उसके बाद उनका लड़का, चार आदमी थे। तो किसको मार रहे थे? बेटे का, मेरे लड़का सचिन का। तो क्या हुआ उनको आज अभी? तो उसको मारते थे तो हम गए थे उसको छुड़ाया, उसके बाद सर उसके बाद में हम छुड़ाए के बाद में उनको उठाए, उसके बाद फोन लगा रहे थे कहीं फोन बात नहीं हुई, उसके बाद में कभी आ रहे हैं सर गाड़ी को फोन किया, उसके बाद में बस। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जगदीशपुर। अच्छा, ये अभी जो मामला हुआ कौन है तुम्हारी, क्या मामला हुआ है? हमारी बहन का लड़का हुआ है सर जी, हमारे इसका चाचा खत्म कर गया उसको। कौन मारा है इनको? इनके चाचा ने। अच्छा, किस लिए मारा है, क्या मामला था? सर जी ये गाड़ी का मैटर हुआ था इसलिए मारा था। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं ये? जी मड़वा द्वारा। घटना हुई देखिए आज 20 जनवरी 2023 थाना जगदीशपुर अंतर्गत मड़वा गांव में एक टू व्हीलर का चाबी को लेकर एक ही परिवार में भाई लोगों के बीच में विवाद और मारपीट हुई थी। इसमें एक सचिन है, इनका उम्र लगभग 20 साल का है, घायल हुए थे, इनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया था,
लेकिन वहाँ डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किए थे। इसी संबंधित घटना संबंधित एक महेश है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।